तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश कोर का सैंपल पेपर जारी किया गया है 2022-23 के बोर्ड एग्जाम के लिए। जी हाँ बच्चों, 2022-23 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका CBSE के द्वारा सैंपल पेपर जारी किया गया है, इस सैंपल पेपर को पूरा पूरा कह सकते हैं हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या आपका पैटर्न रहने वाला है और कैसे आपको अपना पेपर करना है। एक तरह से आप इसको पूरा बोर्ड का ही पेपर मान सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली बोर्ड का पैटर्न इसी तरह से आने वाला है। आपका प्री बोर्ड का भी पैटर्न इसी तरह का आएगा और मिड टर्म का भी पैटर्न जो है संभवतः इसी तरह का आने वाला है। ठीक है, सेम सारी चीजें रहेंगी, आपका सिलेबस पूरा बोर्ड का रहने वाला है। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न दिया है CBSE ने थोड़ा यूनिक दिया है और थोड़ा सा मैं कहूंगा ऐसा दिया है कि लगेगा आपको कि हाँ आप क्लास 12th का पेपर दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश कोर। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका पेपर कैसा आएगा तो कुछ इस तरह का आपका पेपर आएगा। यहाँ पर आपका सीरीज लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका सेट लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेट वन। टोटल चार सेट आता है बच्चों, सेट 1, 2, 3, 4, उसमें से कोई सा भी सेट आपको मिल सकता है। मैंने यहाँ पर आपके लिए सेट वन दिखा रखा है। ठीक है, और ये इस तरह से कोड नंबर लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन पेपर पे आपका कोड नंबर अलग से लिखा हुआ रहता है। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हुई है जिसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ कि बताया गया है कि प्लीज चेक कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन पेपर अभी हम करने वाले हैं इसमें 31 प्रिंटेड पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, और यहाँ पर एक चीज बताया गया है कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बच्चों, और 15 मिनट का टाइम आपको अलाउ किया जाता है, आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकते हैं उस दौरान। ठीक है, 15 मिनट के टाइम में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर और भी चीजें बता रखी है कि जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा, और जो 80 नंबर का पेपर आएगा बोले तो मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा आपका 80 रहेगा। ठीक है, नीचे चले तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस बता रखा है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर आप समझ लेते हैं तो आपको पेपर का मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा होने वाला है। यहाँ पर वही चीज बता रखा है कि 15 मिनट जो मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है इसके अंदर 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी, बोले तो रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर का सेक्शन। रीडिंग वाला सेक्शन जिसके अंदर आपका पैसेज वगैरह, अनसीन पैसेज वगैरह दिया रहता है। राइटिंग वाले सेक्शन में वही आपका ग्रामर से रिलेटेड नोटिस, एडवर्टीजमेंट या आर्टिकल, ये सारी चीजें रहती हैं। और लिटरेचर वाला सेक्शन यानी कि आपकी बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, राइट द करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर इन योर आंसर शीट इन इंडिकेट द ऑप्शंस बीइंग अटेम्प्टेड। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हर एक पार्ट में, क्वेश्चन पेपर के अलग अलग पार्ट्स में आप देखेंगे, चाहे रीडिंग वाला पार्ट हो, राइटिंग वाला हो, मतलब सेक्शन वाइज बांट लीजिए, तो वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन को करने के लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। ठीक है, आपको निर्देश दिए गए हैं, उसी के आधार पर आपको करना है। और जो आपका आंसर शीट रहेगा उसके अंदर एकदम करेक्ट क्वेश्चन का नंबर डालिएगा, यहाँ पर ये चीजें बताई गई है। ठीक है, गलत मत डाल दीजिएगा। तो ये था आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस, हिंदी में बोले तो सामान्य निर्देश। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जो आपका रहता है रीडिंग वाला सेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग वाला सेक्शन रहेगा, और 20 मार्क्स का यानी 20 नंबर का आपका ये सेक्शन आता है बच्चों। यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, मेरी जो इंग्लिश है ठीक है वो थोड़ी सी वीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी मैं अपना 100% दूंगा आपको समझाने में, अपना बेस्ट दूंगा आपको समझाने में। हो सकता है वीक का मतलब वही है कि कहीं पे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा आपको समझाने में। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है सो कि ये पैसेज है, वही बताया गया है कि रीड द पैसेज, ये जो है दिया गया है, और देन आपको आंसर्स देने हैं। तो घोस्ट नेट्स के बारे में है ये, बोले तो भूत जाल जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं, उसके ऊपर है। तो ये पैराग्राफ वाइज दे रखा है, पैरा 1, 2, 3 इस तरह से करके दे रखा है। तो अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलूंगा ताकि हमारा टाइम बच सके, क्योंकि आप काफी लेंदी पेपर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे चलूंगा। और इस बारी आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपके पास एमसीक्यू दबा के दिया गया है इस बारी, ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है, कि आपके पास एमसीक्यू भी है, क्योंकि पेपर लेंथी होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा ये दिया हुआ है पैसेज, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है, तो नीचे चलते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो 1x10, यानी कि आपका 10 नंबर का टोटल यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस तरह से कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, कहने का मतलब यह है कि उपयुक्त विकल्प चुन करके वाक्य को पूरा कीजिए, ठीक है। ये है आपका कि घोस्ट नेट्स हैव बीन नेम्ड सो बिकॉज दे, यानी कि भूत जाल का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वे आर नॉट ओन बाय एनीवन, यानी कि कोई भी उसको ओन नहीं कर मतलब करता था, इस तरह से। ये सारे जो क्वेश्चंस है और जो आंसर है ये सारा आपका पैसेज में से है, तो आप ये मत बोलिएगा कि सर कहां से आ रहा है, ठीक है, मेरे ऊपर से जा रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, यानी जो पैराग्राफ में आपका पैसेज दे रखा है उसको पढ़ सकते हैं, तो आपको बेटर समझ में आएगा जो भी मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कि कमेंट ऑन द राइटर्स रेफरेंस टू द घोस्ट नेट इन पैराग्राफ 1 एज अ हेल्थ प्रॉब्लम फॉर द ओशंस, ठीक है, यानी कि महासागरों के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहले पैराग्राफ में जो घोस्ट नेट यानी कि जो आपका भूत जाल है उसके लेखक के संदर्भ में आपको टिप्पणी करना है, ठीक है, तो राइटर के उसमें आपको टिप्पणी करना है यानी कमेंट करना है। तो आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि द घोस्ट नेट्स आर द ओशन द रीजन सॉरी द मरीन लाइफ इज फ्रीक्वेंटली सिक, इफ नॉट एड्रेस्ड दिस हेल्थ इशू वुड सून बी क्रॉनिक, कहने का मतलब यह है कि समुद्री जीवन जो है ना अक्सर बीमार रहने का कारण भूत जाल है, यदि इसको हम लोग संबोधित नहीं किया गया, मतलब इसको अगर हम लोग एड्रेस नहीं करते हैं, संबोधित नहीं करते हैं, तो यह स्वास्थ्य समस्या जल्दी ही पुरानी हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिस्ट द टू वेव्स बीइंग इंटेलिज्ड इन अ घोस्ट नेट इज लाइकली टू इंपैक्ट अ वॉलरस, ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूछा है कि भूत जाल में उलझने के दो तरीके की सूची बनाइए, मतलब लिस्ट बनाइए जो वॉलरस को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, वॉलरस को। तो यहाँ पर आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, इस तरह से आपका आंसर रहेगा कि उलझाना और चोट पहुंचाना और उलझाना और दोबारा सतह पर आने से रोकना, डूबने से मौत होना, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ नेग्लिजिबल फ्रॉम वर्ड यूज इन पैराग्राफ 2, यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो नग्न में प्रयुक्त शब्दों में से नग्न का विलोम व्यक्त करता है, पैराग्राफ 2 में से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, ये करेक्ट आंसर रहेगा आपका, मॉन्यूमेंटल यानी कि स्मारकीय, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा आपका पैसेज में से है, तो उतना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस समझते चलिए। द राइटर वुड नॉट एग्री विद गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पैराग्राफ 3, ठीक है, एक्सेप्ट, इस तरह से, यानी कि लेखक अनुच्छेद 3 यानी पैराग्राफ 3 पर आधारित में जो कथन दिया गया है ना उससे सहमत नहीं है, तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है मोस्ट घोस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, मोस्ट घोस्ट नेट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मरीन एनिमल्स अपॉन जो है सो कि डिसनेजरेशन, ठीक है, इस तरह से अधिकांश घोस्ट नेट जो है समुद्री जीवों का विघटन पर पोषण प्रदान करते हैं उनको, यानी कि न्यूट्रिशंस देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा छठा क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ रिकॉर्ड साझा करते हैं कि 1960 के दशक से पहले मछली पकड़ने के जाल जो है प्राकृतिक रेशों का उपयोग करके आम रस्सी से बने होते थे,
ठीक है, मछली पकड़ने वाले जाल जो है ना वो नॉर्मल रस्सी से बने होते थे। पैराग्राफ तीन की अपनी समझ के आधार पर वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे मछली पकड़ने वाले जाल पर इनका एक प्रमुख लाभ जो है सूचीबद्ध कीजिए। तो आज के टाइम पे जो जाल यूज होता है, यूज टू बी बायोडिग्रेडेबल, इजिली जो है कि डिजिग्नेटेड एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल फाइबर नेट दैट डू नॉट डाइग्निस्ट्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कहने का मतलब यह है कि कृत्रिम फाइबर जाल की तुलना में ये बायोडिग्रेडेबल होते थे, आसानी से विघटित होने के लिए प्रयुक्त होता था, जो कि विघटित नहीं होता था, यानी कि वो इस तरह से ठीक रहता था। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा 7th क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट फेयर टू से द कमिटमेंट एंड इनोवेशन हैव टू गो हैंड इन हैंड टू राइड द ओशंस ऑफ घोस्ट नेट्स, यानी कि यह कहना उचित क्यों है कि महासागरों को भूतों के जाल से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्धता और नवाचार को साथ साथ चलना होगा। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, यानी आंसर कि प्रतिबद्धता, यानी कि जो आपका कह सकते हैं इस तरह से कमिटमेंट, या इस तरह से कह लिए प्रतिबद्धता, इस कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ता, लंबे समय की आवश्यकता होगी, एक लॉन्ग टाइम चाहिए होगा। ठीक है, और उस तरह से आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 8वां क्वेश्चन है कि कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट इन्फरेंस विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। ठीक है, निम्नलिखित के संबंध में दिए गए वाक्य को उचित निष्कर्ष के साथ पूरा करना है आपको। ठीक है, द राइटर कोट्स द एग्जाम्पल ऑफ WWF लीड मिशन इन द बाल्टिक सी, पैराग्राफ 4, यानी कि लेखक बाल्टिक सागर में WWF के नेतृत्व वाले मिशन का उदाहरण देते हैं करने के लिए, इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए? तो वो है कमिटमेंट एंड इनोवेशन, यानी कि आपका प्रतिबद्धता और नवोन्मेष, यानी कि इनोवेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन कि हाउ कैन द सॉल्यूशन सजेस्ट इन पैराग्राफ 5 बेस्ट बी डिस्क्राइब, यानी कि पैराग्राफ 5 में सुझाए गए समाधानों का सर्वोत्तम वर्णन कैसे किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है प्रैक्टिकल। ठीक है, यानी कि व्यावहारिक रूप से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, यानी कि उपरोक्त जो आपका पैसेज है उसके लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक या टाइटल कौन सा होना चाहिए? तो उसके लिए आप लिख सकते हैं सी ऑप्शन, घोस्ट नेट्स जो है सो कि मैंस टू मरीन लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि घोस्ट नेट समुद्री जीवन के लिए खतरा, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन में, यानी कि ये भी पैराग्राफ ही है बेसिकली, इसमें आपको ये पढ़ना है और आंसर देना है। 10 नंबर का आपका ये भी पैराग्राफ रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर जो है सो कि आप देखेंगे आपको डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में पता चलेगा, आप पढ़ सकते हैं इसको, स्कूल कॉलेजेस वगैरह के बारे में दे रखा है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ना चाहें तो पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलना चाहूंगा ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है बच्चों, तो ये आप वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लगभग जो है सो कि आपका 4-3 पैराग्राफ दे रखा है, अलग अलग मतलब पैरा में बांट रखा है इस तरह से इसको। ठीक है, पूरा पैसेज को, और इस तरह से ये एक चार्ट भी दे रखा है, बुलेट और टेबल, सॉरी टेबल दे रखा है आपका ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन नीचे चलते हैं तो 3rd पैरा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दे रखा है। देन उसके नीचे चले तो हमारा अब आ जाता है क्वेश्चन आंसर्स की, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर 10 क्वेश्चन का आप सही उत्तर देते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि डज, यहाँ पर देखिए कि डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैराग्राफ 1, यानी कि क्या निम्नलिखित जो कथन दिया गया है वो पैराग्राफ 1 में दी गई जानकारी से सहमत है? ये क्या है आपका, बोले तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि द रिसर्चर्स बिलीव दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव आइडल रिसर्च रिसोर्सिस टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप स्किल ऑन यंग एडल्ट्स, यानी कि शोधकर्ताओं का मानना है, रिसर्चर्स का मानना है कि युवा वयस्कों पर,
यानी एडल्ट्स लोगों पर नेतृत्व कौशल के प्रभाव का अध्ययन करने के शैक्षणिक संस्थानों के पास आदर्श संसाधन है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के पास सारी जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, वो अवेलेबल है, ठीक है, स्टडी करने के लिए। तो क्या ये सही है या गलत है आपको बताना है, ठीक है। तो ये फाल्स है, यानी कि असत्य है। इफ द स्टेटमेंट जो है सो कि कंट्रेडिक्ट द इंफॉर्मेशन, यानी कि यह कथन सूचना का खंडन करता है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि डू यू थिंक द रिसर्चर्स ऑफ द स्टडी एम टू चेंज द स्टूडेंट्स आउटलुक टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, सपोर्ट योर आंसर विथ रेफरेंस टू द टेक्स्ट। यानी कि क्या आपको लगता है कि जो शोधकर्ता है, जो लगता है कि अध्ययन के लिए जो शोधकर्ता है, उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो नेतृत्व कौशल के विकास के प्रति जो छात्र है, जो स्टूडेंट्स है, उनके दृष्टिकोण कह लीजिए, जो उनका एक तरह से कह सकते हैं सोचने का जरिया है, नजरिया है, सॉरी, उसको बदलने का लक्ष्य रखा है पाठ के संदर्भ में अपने उत्तर का समर्थन करना है, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं भाई? कि द एम ऑफ सीकिंग स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव वाज टू एनेबल अ बेटर डिजाइनिंग, ठीक है, क्रिएशन ऑफ द लीडरशिप प्रोग्राम्स और इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। छात्रों के दृष्टिकोण की तलाश का उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों में नेतृत्व कार्यक्रमों की बेहतर डिजाइनिंग से हो सकता है, निर्माण सक्षमता सक्षम बनाना था, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, सारा का सारा पैसेज में से बच्चों ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर इंक्लूडिंग रिसर्च क्वेश्चन 3 इन द 2014 स्टडी। यानी कि उस विकल्प का चयन करना है आपको जो 2014 के अध्ययन में यानी कि रिसर्च में प्रश्न संख्या 3 को शामिल करने का सबसे संभावित कारण प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सर्टेन लेसन आर कॉमन इन मोर देन वन लर्निंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि कुछ पाठ एक से अधिक सीखने के अवसरों में आम है, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, कि कंप्लीट द सेंटेंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि निम्नलिखित कथन के आधार पर आपको वाक्य को पूरा करना है। मोर देन 50% ऑफ आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड जो है सो कि वेयर कीप टू पार्टिसिपेट इन द 2014 स्टडी, ठीक है। वी कैन से दिस बिकॉज 72 ऑफ 130 स्टूडेंट्स जो है सो कि कंसेंटेड एंड वेयर इंटरव्यूड, ठीक है, यानी कि इंटरव्यूड, सॉरी, ठीक है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे मैंने आंसर भी आपका लिख दिया, आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है, 72 ऑफ 130 स्टूडेंट्स कंसेंटेड एंड वेयर इंटरव्यूड। कहने का मतलब यह है कि पहचाने गए छात्र उत्तरदाताओं में से 50% से अधिक 2014 के अध्ययन में भाग लेने के लिए इच्छुक थे। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 130 में से 72 छात्रों यानी स्टूडेंट्स की सहमति थी और उनका साक्षात्कार लिया गया, यानी कि उनका इंटरव्यू भी लिया गया है, तो इसलिए आप इसको करेक्ट बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द की इवेंट डिजाइंड विथ बैलेंसिंग रोल्स टेबल नंबर 1 एज द ऑब्जेक्ट, यानी वो जो टेबल नंबर 1 था उसमें से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करे जो उद्देश्यों के रूप में बैलेंसिंग रोल जो आपका टेबल नंबर 1 के साथ डिजाइन की गई प्रमुख घटनाओं को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही उत्तर आप ये लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मैनेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मेंटर प्लानर रिसर्चर एंड प्रेजेंटर, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि छात्र एक संरक्षक योजनाकार की जिम्मेदारियों का प्रबंध करने में सक्षम होंगे और शोधकर्ता और प्रस्तुतकर्ता के रूप में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, छठा क्वेश्चन, कि कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि सबसे उचित विकल्प जो है चुनते हुए इस वाक्य को पूरा करना है कि द 2014 स्टडी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट लीडरशिप बाय फोकसिंग ऑन डैश,
यानी कि 2014 का अध्ययन डैश पर ध्यान केंद्रित करके छात्र नेतृत्व को समझने का प्रयास करता है। तो वो है आपका रिलेशनशिप ऑफ की इवेंट्स विथ पर्टिकुलर लेसन, यानी कि प्रमुख घटनाओं का विशेष पाठों के संदर्भ में या संबंध में आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सातवां क्वेश्चन, कि द लेसन फॉर इंडिविजुअल्स कॉम्पिटेंसीज हैड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि व्यक्तिगत दक्षताओं के पाठों में प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला थी। ठीक है, give one reason why having the least number of responses for decision making is a matter that need attention, यानी कहने का मतलब यह है कि एक कारण बताइए कि निर्णय लेने के लिए प्रतिक्रियाओं की संख्या कम से कम होना एक ऐसा मामला है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, सारा का सारा पैसेज में से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों ध्यान रखिएगा। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि this needs attention because it clearly indicates that the lesson created students experiences do not allow sufficient opportunity for development of this crucial skill, यानी कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बनाए गए पाठ छात्र अनुभव इस महत्वपूर्ण कौशल के विकास के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है आठवां क्वेश्चन, कि कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, यानी कि उस ये जो वाक्य है इसको पूरा करना है सही विकल्प का चयन करते हुए। तो यहाँ पर है कि द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट मेक्स अ क्लियर केस फॉर डैश बाय लिस्टिंग इट एज अ कोर कॉन्टेम्पेंसी फॉर स्टूडेंट लीडरशिप। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि पाठ का अंतिम वाक्य इसे सूचीबद्ध करके डैश के लिए एक स्पष्ट मामला बनाता है छात्र नेतृत्व के लिए एक मुख्य योग्यता के रूप में। तो इसका सही उत्तर है आपका कोलैबोरेशन, यानी कि सहयोग, ये आप यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। आगे चलते हैं, नौवां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नौवां क्वेश्चन भी वही है आपका, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली विथ वन या टू वर्ड्स के अंदर, एक या दो शब्दों के अंदर आपको लिखना है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्किंग विथ अदर इन टेबल वन द लेसन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेफर टू, यानी कि तालिका वन या जो टेबल वन जो आपका दिया हुआ था उसमें दूसरों के साथ काम करना के संदर्भ में संघर्ष का पाठ डैश को संदर्भित करता है, यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसको रेफर करता है, किसको संदर्भित करता है, तो वो करता है बीइंग एबल टू एमिकेबली एंड एफेक्टिवली रिजॉल्व मैटर, या कह लीजिए कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि मामलों के ऊपर करता है या संघर्ष समाधान को सौहार्दपूर्ण या प्रभावी ढंग से हल करने में सक्षम होना, इसके ऊपर करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे है आपका दसवां क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट स्टेट अपॉइंट टू चैलेंज द गिवन स्टेटमेंट, यानी कि कथन को चुनौती देने के लिए एक बिंदु बताना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, मतलब ये आपका है, इसको आपको एक बिंदु बताना है। तो व्हेन थियोरिटिकल नॉलेज अबाउट लीडरशिप सफर्स इट इज अ वेस्ट ऑफ फंड्स बाय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज लीडरशिप कैंप एंड प्रोग्राम्स, यानी कि शैक्षणिक संगठन नेतृत्व शिविर और कार्यक्रम आयोजन करने, जब नेतृत्व के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त होता है तो यह धन की बर्बादी है शैक्षणिक संगठन नेतृत्व शिविर और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। ठीक है, मतलब जब सफिशियंट नॉलेज है तो क्यों फंड्स हम लोग वेस्ट करें लीडरशिप कैंप्स वगैरह में, इस तरह से करके। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, आई डिसएग्री बिकॉज नो अमाउंट ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज कैन एड स्टूडेंट टू एक्चुअली अप्लाई देयर लर्निंग अबाउट लीडरशिप एंड डेवलपमेंट वेरियर स्किल, यानी कि मैं असहमत हूँ भाई, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान की कोई भी मात्रा छात्रों को वास्तव में नेतृत्व के बारे में अपने सीखने को लागू करने और विभिन्न कौशल विकास करने में सहायता नहीं करता कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों, आई होप कि आपको इतना समझ में आओगा। देखो मैं फिर से बोल देता हूँ, चौथी बार बोल रहा हूँ आपको कि ये सारा चीज जो मैंने अभी डिस्कस किया है सारा आपका पैसेज में से था, तो ये बदल बदल करके आता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि बताना भी जरूरी था, सीबीएसई ने क्या पैटर्न दिया है आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जो आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का होता है, जिसके अंदर आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा,
लाइक आर्टिकल आएगा, स्पीच आएगा, नोटिस आएगा, आपका जॉब लेटर आएगा, ये सब आएगा आपका सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के अंदर, रचना लेखन रचनात्मक लेखन कौशल होता है आपका इसका हिंदी। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। आपको दो दिया गया है क्वेश्चन, इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है और आपको पांच नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ए में आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका एक नोटिस लिखना है 50 शब्दों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहे तो ये कर सकते हैं। मैंने नीचे वाला करके दिखाया है इस तरह से कि ड्यू टू एक्चुअल वेदर शॉर्टेज दिस समर यू आर कंसर्न अबाउट एडवाइजिंग द रेजिडेंट ऑफ योर कॉलोनी फॉर सेविंग वाटर एज प्रेजिडेंट आर डब्ल्यू ए ब्लॉक वेस्ट कुंज दिल्ली ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स टू मेक द रेजिडेंट्स अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट मेजर्स। यानी कि इस गर्मी में पानी की भारी कमी के कारण आप अपनी कॉलोनी के निवासियों को पानी बचाने के लिए सलाह देने के बारे में चिंतित है। ठीक है, और इसके रूप में जो है सो कि आपका एड्रेस है यहाँ के निवासियों के बारे में जागरूकता जागरूक करने और उपाय सुझाने के लिए 50 शब्दों में आपको एक नोटिस जो है वो तैयार करना है, लिखना है। ठीक है, तो नोटिस तैयार करने में बहुत इजी होता है। देखो, नोटिस तैयार करने का फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, ऊपर आपको लिख देना है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ए ब्लॉक वसंत कुंज दिल्ली, यहाँ एड्रेस लिख दिया, फिर बड़े बड़े शब्दों में यहाँ पर कैपिटल में नोटिस लिख दिया, फिर मैंने एक डेट डाल दिया जैसे अगस्त 8/2020 ये एक डेट डाल दी, आप कोई भी डेट डाल सकते हो। देन नीचे यहाँ पर टाइटल लिख देंगे वाटर शॉर्टेज, यानी कि पानी की कमी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा शुरू हो जाएगा जो आप नोटिस लिखना चाहते हैं कि कंसीडरिंग द एक्यूरेट वेदर शॉर्टेज इन द कॉलोनी दिस समर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ वसंत कुंज ए ब्लॉक आर रिक्वेस्ट नॉट टू वेस्ट पोर्टेबल वाटर फॉर क्लियरिंग देयर कार वेंड जैसे कि वेरेंड आज या ड्राइव वेज ईटीसी watering the plant with a fine of 500 will be imposed on the defaulters, kindly save the water for a better tomorrow president, जो भी है आपका welfare association A block वसंत कुंज। यानी कि इस गर्मी में कॉलोनी में पानी की भारी किल्लत को देखते हुए सभी वसंत कुंज A block के वासियों से अनुरोध किया जाता है कि पानी जो है पीने योग्य बर्बाद ना करे और उनकी कारों को वॉश करने में, ठीक है, ड्राई करने में, इन सब चीज़ों में सफाई करने के लिए पानी जो है ज़्यादा बर्बाद ना करें, और अगर कोई बर्बाद करते हुए पाया जाएगा तो उस पर 500 का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कृपया बेहतर कल के लिए पानी बचाए प्रेजिडेंट जो आपका रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ए ब्लॉक वसंत कुंज दिल्ली। तो इस तरह से एक नोटिस यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लिख करके भी दिखा दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए बच्चों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बच्चों देखिए, बहुत मेहनत लगता है आपको इस तरह का कंटेंट देने में, क्योंकि सीबीएसई ने जो ये सैंपल पेपर दिया था वो सैंपल पेपर आपका कह लीजिए, मतलब इस तरह से सैंपल पेपर नहीं आता है जितना हम बेटर तरीके से आपको बना करके सैंपल पेपर देते हैं। तो अगर आप हमारी इतनी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल 1000 गुना बढ़ जाता है। तो दबा के लाइक कीजिए बच्चों और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, पांच नंबर का यानी 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो नीचे आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये इससे रिलेटेड है कि मिस ज्योतिका रानी हैड रिसीव एन इनविटेशन फ्रॉम जयदेव बाबू फॉर हिज हाउस वार्मिंग पार्टी, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई ऑन हर बिहाव एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। यानी कि मिस ज्योतिका रानी को श्री जयदेव बाबू ने उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए जो है निमंत्रण मतलब पार्टी के लिए निमंत्रण मिला था और उसी ओर से आमंत्रण स्वीकार करते हुए एक औपचारिक जो है आपको इन्विटेशन लिखना है। ठीक है, एक्सेप्ट करते हुए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके अथवा में भी आपका एक दिया हुआ है कि आपको एक इन्विटेशन ड्राफ्ट करना है तो आप ये करना चाहते हो तो ये कर लीजिए, वो मैंने यहाँ पर एक ये करके आपको दिखा दिया है। जैसे कि मैं अगर एक्सेप्ट करूँगा तो मतलब इस तरह से होगा कि एक डेट लिख दीजिएगा, जैसे 16 फरवरी 2022 लिख दिया है मैंने, और ध्यान रखिएगा जिस डेट को वो चीज़ जो वो इवेंट होने वाला है उससे पहले का डेट लिखिएगा,
जैसे 21 फरवरी मंडे को है ये पार्टी, भारत कम्युनिटी सेंटर अपार्टमेंट ग्राउंड जो है यहाँ पर, तो मैंने 16 फरवरी 2022 का डेट लिखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से डेट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अगर उसमें डेट दिया गया है क्वेश्चन के अंदर तो उसी के हिसाब से लिखेंगे, अगर उसमें नहीं दिया गया है तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप एक जो है इन्विटेशन लिख सकते हैं, 5 नंबर का आपका ये रहेगा और इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, ये एक्सेप्ट करते हुए इन्विटेशन का। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। आगे चलते हैं, अगला अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि अटेम्प्ट एनी वन ए एंड बी गिवन बिलो, ये भी 5 नंबर का आपका रहेगा। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको जो है सो कि यू आर मीनू सेन या फिर आप एन इंटर्न इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी इन हैदराबाद, यू फील दैट द ग्रोविंग रिलेशनशिप ऑफ कंपनीज विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैव मेड कॉर्पोरेट जो है सो कि कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR द बज वर्ड टूडे, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए आपको क्या करना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली न्यूज पेपर जो होता है उसके अंदर 120 to 150 वर्ड्स, यानी कि आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है और इस तरह से आपका ये दे रखा है कि किस चीजों को ध्यान में रखते हुए लिखना है, ये CBSE ने दिया, ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहें तो ऊपर वाला करना चाहें तो ऊपर वाला कर लीजिए, नीचे वाला एक और क्वेश्चन आपको अथवा में दे रखा है चॉइस में, नीचे वाला करना चाहते हैं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन किया है, मुझे ज्यादा बेहतर लगा, ठीक है। कि यू आर कृष्णा या शिवानी रेजिडेंट ऑफ B465 द्रोहिणी, यू रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट गिवन योर गिविंग योर डिटेल रिज्यूम, यानी कि आप कृष्णा है या शिवानी है, निवासी है B465 द्रोहिणी के, आपने एक समाचार पत्र में निम्नलिखित विज्ञापन पढ़ा, कौन सा विज्ञापन पढ़ा, ये वाला विज्ञापन पढ़ा, और अपना विस्तृत विवरण यानी अपना रिज्यूम देते हुए इसके लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या विज्ञापन है, क्या है ये एडवर्टीजमेंट, सिचुएशन वैकेंट का है यानी खाली मतलब खाली स्थान के लिए है, वांट अ यंग एंड एक्सपीरियंस ग्रेजुएट विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी टू वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट एट कस्टमर केयर बोर्ड्स ऑफ NCR ग्रुप ऑफ होटल दिल्ली, कॉन्टैक्ट मैनेजर अलॉन्ग विथ योर कम्प्लीट CV विद इन 7 days ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी में एक अच्छा आदमी चाहिए या फिर जो लड़की हो सकती है वो कहाँ के लिए चाहिए, NCR ग्रुप ऑफ होटल्स के दिल्ली के कस्टमर केयर बूथ रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। आप 7 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपने CV भेजना पड़ेगा, बोले तो रिज्यूम उसके साथ साथ जब ये जो है सो कि छपा है, जब भी ये एडवर्टीजमेंट छपा है, ठीक है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, इस तरह से अप्लाई करेंगे आप, देखिए यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे पहले B465 रोहिणी दिल्ली, और यहाँ पर एक डेट लिख देंगे जैसे कि 16 दिसंबर 2019 लिख दिया है, द मैनेजर NCR ग्रुप ऑफ होटल दिल्ली, ठीक है, इतना आपने लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिए था आपका तो उसके लिए आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सर और देन अपना जो है एप्लीकेशन शुरू कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन शुरू कर देना है, जैसे कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड दिसंबर 2019 था फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट आई हेयर बाय ऑफर माय कैंडिडेचर फॉर द सेम, यानी कि दिसंबर 2020 के हिंदुस्तान टाइम्स में आपके विज्ञापन के जवाब में मैं इसके लिए अपनी उम्मीदवारी जो है वो पेशकश करता हूँ, यानी कि मैं सुटेबल हूँ इस तरह से करके, और बाकी यहाँ पर आप इस तरह से लिखते हुए आएंगे और फिर आप यहाँ पर जो है कि लिख सकते हैं कि यू मे कॉल मी फॉर इंटरव्यू, यानी कि आप अपने सुविधाजनक किसी भी तिथि पर मतलब मुझे कॉल कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। उसके बाद देन आपको लिख देना है थैंक यू, कृष्णा है अगर आप लड़के हैं तो कृष्णा, अगर आप लड़की हैं तो शिवानी, अगर उसमें नाम दिया गया है तो ही आपको नाम जो है सो कि मतलब तो उसका नाम फॉलो करना है, मतलब जब अगर क्वेश्चन में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर अगर नाम दिया गया है तो क्वेश्चन के नाम के हिसाब से चलना है, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर कोई फिक्शनल नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए रिज्यूम कैसे अटैच करना है, रिज्यूम बनाना बहुत ईजी होता है, आप यहाँ पर देखेंगे जब आप 12th क्लास जो है क्रॉस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिज्यूम जो है होता कैसा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए रिज्यूम में क्या होता है, नाम होगा, फादर्स नेम होगा, एज होगा जैसे एज 25 साल, एड्रेस, हॉबी क्या क्या है, लैंग्वेज नोन कौन का, कौन कौन सा यानी कौन कौन सी भाषाएं आती है, नेशनैलिटी क्या है, इंडियन होगी जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, शैक्षिक आप कह सकते हैं योग्यता आएगी आपकी, जैसे कि पास्ट सेकेंडरी एग्जाम फ्रॉम CBSE विद
8.5 CGPA, ठीक है। इसी तरह से करके यहाँ पर आपका सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगा, फिर आपका एक्सपीरियंस आएगा, बोले तो अनुभव आएगा, तो आप लिख सकते हैं कि वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट विद एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर 2 ईयर, यानी इसने काम कर रखा है। एक्सपेक्टेड सैलरी, आप सैलरी कितना लोगे भाई, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेगोशिएबल, यानी कि डिस्कस किया जा सकता है, आप नेगोशिएट कर सकते हो सैलरी में, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको दो रेफरेंस देना होगा, दो संदर्भ भी व्यक्तियों के नाम देने होंगे। तो रेफरेंस के लिए मैंने दो आदमियों के नाम दे दिए हैं, जैसे कि पहला नाम है डॉक्टर नंदलाल, जो कि सर्जन है जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली के, और दूसरा नाम लिख दिया मिस्टर विकास, जो कि प्रिंसिपल है एबी पब्लिक स्कूल दिल्ली के, ठीक है। तो इस तरह से आप ये आप अपना जो लेटर है वो जॉब लेटर कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन जो हमारा चौथा है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, ठीक है। तो ये है आपका एक आर्टिकल के ऊपर है, ये पूरा चीज आप देखेंगे, तो यहाँ पर इन सब से संबंधित एक आर्टिकल लिखना है 120-150 वर्ड्स के अंदर। तो आप अगर आर्टिकल लिखना चाहते हैं इस चीज के ऊपर तो लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ हिंट्स भी दे रखे हैं आपको हेडलाइंस के अंदर इस तरह से करके, तो इनको ध्यान में रखते हुए आप आर्टिकल लिख सकते हैं बच्चों। इसी के अथवा में आप अगर आप देखेंगे, इसी के चॉइस में आपको दे रखा है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, आर्टिकल या फिर रिपोर्ट यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से है, यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए मैंने आर्टिकल तो नहीं, मैंने रिपोर्ट करके दिया है आपके लिए। आप रिपोर्ट देखिए कैसे लिख सकते हैं आप, कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि यू आर श्वेता या शिवम, हेड ऑफ हिस्ट्री क्लब ऑफ ASN पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली, योर स्कूल ऑर्गेनाइज हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम इन योर स्कूल टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग आवर मॉन्यूमेंट्स, राइट अ रिपोर्ट ऑन दिस प्रोग्राम इन अबाउट 120-150 वर्ड्स। 5 नंबर का क्वेश्चन है। कहने का मतलब यह है कि आप श्वेता है या शिवम है, ASN पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली के इतिहास क्लब के आप क्या है, प्रमुख है, यानी हेड है, ठीक है। आपके स्कूल ने हमारे स्मारकों यानी कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए आपके स्कूल में विरासत जागरूकता कार्यक्रम यानी कि हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आयोजित किया है। इस कार्यक्रम पे आपको क्या करना है, लगभग 120 से 150 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखना है, 5 नंबर का आपका ये रहेगा। तो रिपोर्ट लिखना बहुत इजी होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको सीधा अपना बाय श्वेता या फिर शिवम जो भी आपका नाम है वो लिख देना है और अपना रिपोर्ट जो है वो शुरू कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका रिपोर्ट जो है इस तरह से शुरू कर दीजिएगा, जैसे हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय हिस्ट्री क्लब ऑफ ASN पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली 9 अगस्त 2020। इस तरह से करके आपका पूरा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, डेट आपका कुछ भी डाल सकते हैं, जो अगर क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन के हिसाब से डेट डालिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, आपको इजिली नंबर मिल जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए बच्चों सेक्शन सी के अंदर, ठीक है, जिसको आप लिटरेचर वाला सेक्शन भी कह सकते हैं। सेक्शन सी में अब हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है कि रीड द गिवन एक्सप्रेशन, अटेम्प्ट द क्वेश्चन विथ रेफरेंसेस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ में दिए गए जो प्रश्न है उनको हल करने के लिए उद्धरणों को पढ़े, यानी कि जो चीज यहाँ दिया गया है उदाहरण उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये आपका रोड साइड स्टैंड जो चैप्टर है आपका, उसमें से ये आपके सारी चीजें दी गई हैं, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसी चैप्टर से, मतलब इस जो रोड साइड स्टैंड वाला चैप्टर है इससे रिलेटेड जो है जो क्वेश्चन आंसर्स है वो उस पर चलूंगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द अबव लाइंस, यानी कि जो पोएट है बोले तो जो कवि है उसका स्वर कैसा है इन लाइनों में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आप लिखेंगे जो थर्ड वाला आपका ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है, सार्कास्टिक यानी कि व्यंग्यात्मक स्वर है उसका, पोएट का यानी कवि का। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट द सजेशंस द फॉलोइंग, यानी कि उदाहरण से वाक्यांश को पहचाने और निम्नलिखित का सुझाव देते हुए। नो वन ब्रदर्स टू टेक देयर कंसेंट बिफोर पुशिंग द प्रोमिस ऑफ अ बेटर लाइफ देयर वे, ठीक है, यानी कि बेहतर जीवन के वादे अपने तरीकों से आगे बढ़ाने से पहले कोई उनकी सहमति लेने की जहमत नहीं उठाता, ठीक है, इस तरह से नहीं उठाता। तो इसका सही उत्तर है इनफोर्सिंग बेनिफिट्स के कारण, यानी लाभ लागू करना जो है उसके कारण, ठीक है। आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ द विलेजर्स कैन बी इन्फ्रेड थ्रू दीज लाइन, यानी कि इन पंक्तियों से ग्रामीणों के किस गुण गुण का अनुमान लगाया जा सकता है। तो उसका सही उत्तर है गुल्लीबल, यानी कि कहने का मतलब यह है भोलापन, ग्रामीणों लोग यानी गांव के लोगों के भोलेपन का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली, डू नॉट रिपीट फ्रॉम यूज्ड एग्जांपल, यानी कि निम्नलिखित जो यहाँ पर आपका सारांश है उसको सही से पढ़ना है आपको, सारस्य को सही से पढ़ें और इस जो है सो कि एग्जांपल के साथ बताइएगा और एग्जांपल दोहराना नहीं है। तो जैसे कि ग्रीडी गुड्स डोर्स एलिट्रेशन डैश ऑक्समोरन, ठीक है, यानी कि लालची अच्छे करता अनुप्रास डैश ऑक्सीमोरोन होता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों आपका बेनिफिशियंट बीट्स ऑफ प्रे, तो कहने का मतलब ये है शिकार के लाभकारी जानवर के रूप में, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू वन एंड टू गिवन बिलो, यानी कि जो आपका उदाहरण एक और दो है इसके संदर्भ में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी टू रीजन फॉर वन, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं द सिटी, इस तरह से दूसरा जो रीजन है वो पहले के लिए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, कहने का मतलब ये है कि उदाहरण के संदर्भ में आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है रिक्त स्थान है उसको भरना है। तो क्या है कि कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट देयर विट्स इम्प्लीज दैट देम आर बीइंग डैश, यानी कि उनकी बुद्धि से उन्हें शांत करने के लिए गणना की कई की गई का अर्थ है कि उन्हें डैश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, मैनिपुलेटेड किया जा रहा है, फूल्ड या फिर डंप किया जा रहा है, यानी कि छल किया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है या ठगा गया है, ये सारे में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। उसके आगे अगर हम लोग चले तो एक आपको अथवा देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है क्वेश्चन तो नीचे वाला आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका, ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी वाला जो आपका है ना पोएम उसमें से आया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लोनलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इस तरह से करके लाइन है, इनको आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। सौंदर्य की बात करके या थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में आप क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने आएंगे बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द सेम पोएटिक डिवाइस एज यूज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, कहने का मतलब यह है कि वह विकल्प चुने जो उसी काव्यात्मक उपकरण को प्रदर्शित करता है जैसा कि उदाहरण की पहली पंक्ति में उपयोग किया गया है, उन लाइन्स की पहली पंक्ति में उपयोग किया गया। तो इसका सही उत्तर है लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, यानी कि जीवन एक रोलर कोस्टर की सवारी के जैसा है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज द फ्रेज अ बोअर क्वाइट इंडिकेट, यानी कि एक बोवर जो है वो शांत मुहावरा क्या इंगित करता है। इसका सही उत्तर है आपका सरेनिटी, यानी कि शांति। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द बेनिफिट्स ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर ह्यूमंस इंडिकेट, यानी कि मनुष्य के लिए सौंदर्य की वस्तु के लाभों में शामिल है, क्या शामिल है बच्चों। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी पहला दूसरा और पांचवा, यानी कि हेल्दी बॉडी काम माइंड एंड आप कह सकते हैं होप टू कैरी ओवर, ये आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कि आंसर इन वन वर्ड, आपको एक शब्द में उत्तर देना है कि व्हेन द पोएट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस ही मीन्स दैट इट इज, यानी कि जब कवि कहता है कि सुंदरता की चीज कभी शून्य में नहीं जाएगी तो उसका मतलब है कि वह डैश है, तो वो इमोर्टल है यानी अमर है, ये लिख सकते हैं आप, एवरलास्टिंग है यानी कि चिरस्थाई है, ये भी लिख सकते हैं, इटर्नल है यानी कि आपका शाश्वत है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर अनडाइंग है यानी कि अमर है, ये भी लिख सकते हैं आप। तो इनमें से कोई एक आप लिख देंगे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन
कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी कि उदाहरण के आधार पर नीचे दिए गए दो कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैन बी इन्फ्रेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बट वन कैन नॉट, यानी कि दो अंक से एक अनुसार अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन एक नहीं। ठीक है, अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अपट टाइटल फॉर द एक्सट्रैक्ट, कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण के लिए उपयुक्त शीर्षक है। तो होप फ्लोट्स, यानी कि होप फ्लोट्स जो है इसका सही आप लिख सकते हैं, एक अच्छा टाइटल है। आगे चलते हैं, अब अगला है कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, यानी दो में से कोई आपको एक अटेंड करना है, जैसे अभी हमने अटेंड किया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ डेयरी के बारे में आपका दे रखा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से ऑन द फेस ऑफ इट वाला जो आपका चैप्टर है उसमें से ये आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलता हूँ। इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा है कि लिस्ट द प्लेयर प्ले राइट्स पर्पस ऑफ यूजिंग एल्फेज डैश इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस उदाहरण में दीर्घवृत्त, यानी कि ऊपर जो लाइंस दी गई है उसमें दीर्घवृत्त का उपयोग करने के नाटककार के उद्देश्य की सूची बनानी है आपको। तो इसका सही उत्तर है टू इंडिकेट द कैरेक्टर टू पुश फॉर टफ टू एक्ट सोविंग गैदरिंग ऑफ टॉप्स। ठीक है, यानी कि विचार के लिए रुकने के लिए, चरित्र को इंगित करने के लिए और विचारों को इकट्ठा करने के लिए, कार्य करने के लिए। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब डैरी एंड मिस्टर लैम इन द एक्सट्रैक्ट। तो इसका सही उत्तर आप मतलब ये क्वेश्चन है आपका कि उस विकल्प का चयन करें जो डैरी और मिस्टर लैम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर है आपका डैरी इंट्रोवर्ट मिस्टर लैम फ्रेंडली, यानी कि डैरी जो है अंतर्मुखी, मिस्टर लैम जो है वो फ्रेंडली, ये दोनों दोस्त थे एक टाइप के। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज मिस्टर लैम एटीट्यूड टुवर्ड्स द बीज, यानी कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सो कि मिस्टर लैम के रवैये का सबसे अच्छा शाश्वत है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर है द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन द डिटेल्स, यानी कि दुनिया की सुंदरता विवरण में निहित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डैरी सेज आई कम हेयर बिकॉज आई लाइक इट, What was the one significant thing Derry might have liked about the place as per the extract? ठीक है, यानी कि Derry जो है सो कि कहते हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि यह मुझे यहाँ पसंद आया, मुझे ये पसंद आया। और इसके अनुसार Derry को जगह के बारे में कौन सी एक महत्वपूर्ण बात जो है पसंद आई होगी। तो उसका सही उत्तर है अवेज फ्रॉम प्रेइंग आईज, यानी कि चुभती निगाहों या कह लीजिए लोगों से दूरी, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, तो इसी में आपको एक अथवा देखने को मिल जाएगा, एक चॉइस देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता क्वेश्चन तो आप नीचे वाला अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वही आपका एक पैरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, और ये जो है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है और इसी से संबंधित आपके जो क्वेश्चन आंसर से पूछे जाएंगे। आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट जो है आपका क्वेश्चन आंसर्स पे चलता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन पूछा है कि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपको ऊपर जो लाइन्स दी गई हैं उसके संदर्भ में वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, द राइटर्स रेफर टू द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एज इंस्पायरिंग बिकॉज, यानी कि लेखक शैक्षणिक अवसरों को प्रेरक के रूप में संदर्भित करता है, क्योंकि एक तरह से इंस्पिरेशन के रूप में प्रेरित दिखाता है। क्यों? क्योंकि देज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वुड मोटिवेट देम टू वर्क टूवर्ड्स द गुड ऑफ द प्लैनेट, अलाउ देम टू ऑब्जर्व फर्स्ट हैंड दैट द प्लैनेट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड जो है सो कि न्यूट्रेटेड रेदर देन अब्यूज्ड, यानी कि ये शैक्षणिक अवसर उन्हें ग्रह की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं।
करेंगे सॉरी उन्हें प्रत्यक्ष रूप से यह देखने की अनुमति देंगे कि ग्रह का दुरुपयोग करने के बजाय सम्मान पोषण की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन बदलने का अनुभव नहीं होगा। इसका सही उत्तर है प्लेइंग अ वीडियो गेम, यानी कि वीडियो गेम खेलना जीवन बदलने का एक उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है। अगला है आपका सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर गिविंग गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो ऊपर आपका एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके लिए सबसे अच्छा टाइटल क्या होगा। तो उसका सही उत्तर है एडवेंचर विद अ मिशन, यानी कि एक मिशन के साथ साहसी कार्य, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है कि व्हाई डज द राइटर्स रेफर टू एक्ट एज मोर इम्पोर्टेंट देन एब्सॉर्ब और लर्न, यानी कि लेखक अभिनय और अभिनय को अवशोषित या सीखना से अधिक महत्वपूर्ण क्यों बताता है। इसका सही उत्तर है बिकॉज हैविंग द राइट नॉलेज और इंक्लिनेशन, ठीक है, इस तरह से आपका आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि सही ज्ञान का झुकाव समझ होना सिर्फ आधा काम, ठीक है, इस तरह से ये चीजें आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए तीसरे क्वेश्चन में कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, यानी कि दो में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह के एक्सट्रैक्ट बहुत सारे आएंगे आपके, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 6 एक्सट्रैक्ट हम करने वाले हैं, तो आपको इस तरह के एक्सट्रैक्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी टेंशन मत लीजिए, हम इस तरह की वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये आपका पोएट एंड पेनकेक्स वाले चैप्टर में से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स पे चलूंगा बच्चों, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये एक्सट्रैक्ट जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पहला है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, यानी कि उस विकल्प का चयन करना है जो इसको वाक्य को पूरा करता है। स्टेजेस ऑफ वर्डली एक्सपीरियंस इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट वुड रेफर टू, यानी कि दिए गए संदर्भ में सांसारिक अनुभव के चरण डैश को संदर्भित करेगा, तो वो करेगा सिचुएशन दैट रिक्वायर्ड वन टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है, उसको जो है सो के संदर्भित करेगा। आगे चलते हैं, अगला है हमारा सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी, यानी कि निम्नलिखित जो ऊपर आपका सहारा से है उसको पूरा करने के लिए जो उदाहरण से उपयुक्त शब्द का चयन आपको करना है, जैसे कि सील्ड, क्लोज्ड या फिर प्रोपेल्ड करके, ठीक है, यानी कि सील बंद, बंद या फिर प्रोपेल्ड। तो उसका उत्तर है पहुंचाना, कैप्यूलेटेड, ठीक है, कैट कैटेपुलेटेड, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसका सही उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी, अनइंटेंशनल एक्ट, यानी कि अनजाने में किया गया कार्य, ठीक है। अगला है चौथा क्वेश्चन कि बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट चूज द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर द लीगल एडवाइजर, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि उपरोक्त उदाहरण के आधार पर कानूनी सलाहकार के लिए सही कथन चुनना है आपको। तो सही उत्तर है इसका ही डिड नॉट गेट वेल विद अदर्स इन द डिपार्टमेंट, यानी कि विभाग के अन्य लोगों के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं था, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है कि आइडेंटिफाई द टेक्सुअल क्लू दैट अलाउ द रीडर्स टू इनफेयर दैट द राइटर्स इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द प्रोफेशनल फेथ ऑफ द एक्टर, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पाठ्य सुराग की पहचान करें जो पाठक को यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि लेखक अभिनेता के पेशेवर भाग्य के प्रति सहानुभूति रखता है। तो उसका सही उत्तर है बच्चों सैड एंड, यानी कि दुखद अंत। आगे चलते हैं, अगला है हमारा छठा क्वेश्चन कि कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन एज पर द एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो आपका एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके अनुसार जो है आपको स्पष्टीकरण करना है, यानी एक्सप्लेनेशन देना है आपको इस वाक्य का। तो ये है आपका द राइटर्स यूज्ड वर्ड यूनिफॉर्म टू रेफर टू द आउटफिट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स मेंबर बिकॉज जस्ट लाइक अ यूनिफॉर्म, यानी कि लेखक विभाग के सदस्यों के पहनावे को संदर्भित करने के लिए वर्दी शब्द का उपयोग करता है, क्योंकि जो है सो कि एक वर्दी की तरह डैश क्या है is a common dress code for all similarly their apparel, ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी के लिए एक सामान्य ड्रेस कोड है, ठीक है, बाकी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा।
आगे चलते हैं। इसी में आपको एक अथवा देखने को मिल जाएगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं बच्चों। तो इसका अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, ये जो आपका वही सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, और ये द इंटरव्यू वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है, ठीक है। नीचे चलते हैं, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलूंगा बच्चों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज मोस्ट लाइकली रीजन सम पीपल कंसीडर द प्रैक्टिस ऑफ इंटरव्यू टू बी एन आर्ट, यानी कि कुछ लोग द्वारा साक्षात्कार की प्रथा यानी कि इंटरव्यू की प्रथा को एक कला मानने का सबसे संभावित कारण क्या है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसकी आवश्यकता जो है सो कि क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, रचनात्मक और कल्पना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कि रीराइट द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विथ इट्स इंटरफ्रेंस, सेलिब्रेट फील दैट एन इंटरव्यू, जो है सो कि इस तरह से दिया हुआ है आपका, रेखांकित वाक्य को उनके अनुमान से बदलकर वाक्य को फिर से लिखना है आपको। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सेलिब्रिटी को लगता है कि इंटरव्यू उन्हें साधारण लगने लगता है, स्वीकार करें कि नकारात्मक रूप से प्रभावी करता है या उन्हें उनकी आभा को कमजोर करता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है तीसरा कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, इन दोनों स्टेटमेंट्स यानी कि कह सकते हैं जो संदर्भ ये जो लाइनें दी गई हैं इनके संदर्भ में सही है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका, टू इज द रीजन फॉर वन, इस तरह से करके। आगे चलते हैं, अगला है आपका चौथा कि रैशनलाइज टू सपोर्ट द गिवन ओपिनियन, यानी कि दी गई राय का समर्थन करने के लिए युक्ति संगत बनाए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका है, और जो आंसर रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि यह क्वेश्चन है कि यह कहना कि एक साक्षात्कार अपने उच्चतम रूप से सत्य का स्रोत है एक असाधारण है। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों कि यह एक असाधारण दावा है क्योंकि एक साक्षात्कार सत्य का स्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि निम्नलिखित साक्षात्कार को स्क्रिप्ट किया जा सकता है या लोग गलत बयान दे सकते हैं या कुछ प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है आपका कि रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ इट्स एंटोनिम फ्रॉम एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसको रिप्लेस करना है आपको बच्चों, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सपोर्टर्स को विक्टिम्स में, ठीक है। इस तरह से यानी कि जो है सो कि समर्थन की तरह महसूस होता है उसको पीड़ित में आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगला है द ऑथर्स व्यू ऑन द इंटरव्यू इन द एक्सट्रैक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्टेटमेंट बेस्ड ऑन, यानी कि साक्षात्कार पर लेखक की विचार उधर में डैश पर आधारित कथनों के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो फैक्ट्स के ऊपर यानी तथ्यों के ऊपर वर्णित किया जा सकता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन में, जिसमें आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। अब बताया गया है कि आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड ईच, यानी कि आपको कोई भी पांच क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन जो है दो नंबर का रहेगा आपका। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू रियलाइज दैट ट्रू वैल्यू ऑफ थिंग ओनली ऑन लूजिंग इट कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, यानी कि किसी चीज को खोने पर ही आपको उसकी असली कीमत का एहसास होता है। कहानी जो आपका लास्ट लेसन है, इस कथन के आधार पर आपको जो है सो कि इसके ऊपर कमेंट करना है। तो इसका सही उत्तर है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, प्रोसीडिंग पुट बैन ऑन फ्रेंच लैंग्वेज बिकॉज रैशनलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ होल्डिंग इन टू देयर मदर टंग, यानी कि प्रशिया जो था उसने फ्रेंच भाषा पर लगाया प्रतिबंध, लोगों को अपनी मातृभाषा पर पकड़ के महत्व का एहसास हुआ। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि स्टेट द कॉमन इशू फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द एज इन करंट टाइम विथ रेफरेंस टू पोएम माई मदर एट 66, यानी कि आपको जो माई मदर एट 66 जो आपका पोएम है कविता है उसके संदर्भ में बताना है कि वर्तमान समय में अधिकांश जो बूढ़े लोग हैं उनके सामने आने वाली समस्याओं का उल्लेख करना है। तो कॉमन इशू जो है एब्सेंस ऑफ सपोर्टिंग प्रेजेंस, इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी कि बच्चों से दूर जाने पर सहायता
सहायक उपस्थिति जो है या अकेलेपन की जो डर रहता है ना, ये चीजें आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं कि द पोएट लिव्ड अवे फ्रॉम हर मदर, यानी कि कवि अपने माँ से दूर रहता था, ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। आगे है तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट डू वी कम टू नो अबाउट द ऑथर्स ऑफ लूजिंग स्पायरिंग एनीस जंग थ्रू हर इंटरेक्शन विथ सोहेब एंड मुकेश, यानी कि लास्ट जो है सो की लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक अनीस जंग साहेब और मुकेश के साथ बातचीत के माध्यम से हमें क्या पता चलता है। तो हमें पता चलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीजें लिखी हुई भी हैं, कि विस्तार से देखा गया चौकस पता चलता है दोनों लड़कों के संबंध के प्रासंगिक होना चाहिए इन चीजों के संदर्भ में। उनकी दुर्दशा पता चलती है, वह उनके लिए कुछ भी करने में असमर्थता के बारे में एहसास महसूस करती है, तो इस तरह से ये चीजें पता चलती हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गिव टू रीजंस व्हाई अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुडा इज कीपिंग क्वाइट एसेंशियल टू अटेनिंग अ बेटर मोर पीसफुल वर्ल्ड, कीप क्वाइट के आधार पर आपको बताना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं कि हमें आत्मनिरीक्षण करता है और हमारे कार्यों पर प्रतिबंध करता है, हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने, मतलब वही है क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि पैब्लो नेरुदा के अनुसार एक बेहतर अधिक शांतिपूर्ण विश्व प्राप्त करने के लिए चुप रहना आवश्यक होने के, मतलब चुप क्यों रहना चाहिए, तो हमें आत्मनिरीक्षकता प्राप्त होता है उससे, ठीक है, हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, हम क्या चाहते हैं वो हमें समझ में आता है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और आंसर आपका इस तरह से, मैं आपको इसका हिंदी बता देता हूँ। पांचवा जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि अन्य चीजों के अलावा खुद के बेहतर संस्करण बनने के बारे में हम विल्सन एडला विल्सन इस भावना का प्रतीक है द रैट ट्रैप के आधार पर आपको बताना है। तो एडला जो है यहाँ पर आप देखेंगे डिस्पाइट नोइंग द ट्रूथ अबाउट द पैडलर, यानी कि पैडलर के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद उसने, यहाँ पर आप देखेंगे पहली लाइन में, कि उसे आश्रय दिया और उसके साथ पूरे सम्मान के साथ व्यवहार किया, ठीक है, और दूसरा है आपका यहाँ तक कि उन्हें अगले साल क्रिसमस पर भी आमंत्रित किया खुद को बेहतर संस्करण दिखाने के लिए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है आपका हाउ कैन वी से दैट मैरिज वाज कॉम्प्रोमाइज फॉर आंट जेनिफर, सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विथ टू जस्टिफिकेशन आंट जेनिफर टाइगर के आधार पर आपको बताना है। हम इसका हिंदी होगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि आंट जेनिफर के लिए शादी एक समझौता थी दो औचित्यों के साथ अपनी प्रतिक्रिया का समर्थन करना है, ठीक है। तो पहला है लाइन में कि कुड लीव द वे सी वॉन्टेड टू और डू वट सी वॉन्टेड, यानी कि जिस तरह से वह चाहती थी या वह करना चाहती थी वह नहीं कर सकी, जिम्मेदारियों का बोझ था, बर्डन था रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, और पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके हस्बैंड के द्वारा उसे दिक्कत पैदा, मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है छठा क्वेश्चन के आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड ईच, ठीक है, जो 40 से 50 शब्दों में आपको आंसर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह से आपको आंसर लिखना है द थर्ड लेवल के आधार पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। क्वेश्चन है आपका कि दूसरों को आंकना और सलाह देना आसान है लेकिन उस पर अमल करना कहीं ज्यादा मुश्किल है, हम स्वयं तीसरे स्तर से सैम के चरित्र के संदर्भ में विस्तार से आपको बताना है बच्चों, ठीक है। उसके आगे अगर हम लोग चले तो अगला है आपका दूसरा क्वेश्चन कि कमेंट ऑन एनी वन एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर काल्की इन द टाइगर किंग, यानी कि द टाइगर किंग में लेखक काल्की की लेखन शैली यानी कि उसका लिखने का स्टाइल था उसकी किसी एक पहलू पर टिप्पणी कीजिए, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि कन्वर्सेशनल नैरेटिव स्टाइल, यानी कि यहाँ पर इस तरह से आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका कि हाउ डू वी नो दैट डॉक्टर सडाव वाज कंसिस्टेंट एज वेल एज लॉयल द एनिमी के आधार पर आपको बताना है, यानी कि आपको पूछा गया कि हम कैसे जानते हैं कि डॉक्टर सडाव जो है वो कर्तव्य निष्ठ होने के साथ वफादार भी थे, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सातवें क्वेश्चन के अंदर बच्चों, जो सातवां क्वेश्चन है answer any one of the following in about
120 to 150 वर्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको करना है 120 से 150 शब्दों के अंदर, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है आपका डीप वाटर से लिया गया है और इंडिगो वगैरह के बारे में भी है, ठीक है। और जो आपको आंसर लिखना है ये थोड़ा सा यूनिक है, ध्यान रखिएगा, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। अब मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ, इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर ये रहा, उसी के आगे अगर हम लोग चले तो इसी में आपको एक अथवा दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा है आपसे और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से आंसर लिखना है आपको। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए 8वें क्वेश्चन में। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 120 टू 150 वर्ड्स, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको करना है, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आगे चले तो 5 नंबर में आप इस तरह से कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और आंसर आप जो है सो कि देख ही सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ, आंसर इस तरह से आपको लिखना है। और उसके आगे चले तो इसी में आपको एक और अथवा देखने को मिल जाता है कि अगर आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नीचे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बोथ बामा एंड जेट क्लासा एक्सपीरियंस द हार्श रियलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आपसे पूछा है कि बामा और जेट क्लासा दोनों ने अपने बचपन में भेदभाव की कठोर वास्तविकता का अनुभव किया, उन दोनों ने इसे नीचे खींचने के बजाय उसे दूर करने का एक तरीका ढूंढ लिया, आप अपने आगामी ब्लॉग पोस्ट में दोनों का एक कैमियो शामिल करना चाहते हैं, इसके ऊपर आपको आंसर लिखना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो आंसर रहेगा वो कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आंसर दिया हुआ है कि उन दोनों को भेदभाव का सामना करना पड़ा, ठीक है। उसके आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जेट क्लासा ने विद्रोह कर दिया और अपने बाल काटने से इनकार कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बोथ ऑफ देम वर्क हार्ड टू जो है सो कि एक्सेल इन एजुकेशन, यानी कि दोनों ने शिक्षा में उत्कृष्टता यानी अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की, और इसी तरह से आप आंसर देख सकते हैं। तो बस यही था आपका बच्चों इंग्लिश कोर का सैंपल पेपर जो CBSE ने दिया है आपका 2022-23 के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको जो है सो कि ये पूरा सैंपल पेपर समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का एक तरह का घंटी या घंटे कुछ भी कह लीजिए उसका आइकन शो होने लग जाएगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे इसी तरह के सैंपल पेपर के सॉल्यूशन वाले वीडियोस या और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले जो वीडियोस हम आपके लिए डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।